नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज। करौंदा कोरवाडिया में सावित्री बाई फूले की जयंती पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कांडी हरिहरपुर ओपी से मनोज राम की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंदा के कोरवाडिया में एवं चटनिया पंचायत के घोरदाग गांव में रविवार को सावित्री बाई फूले की जयंती पर भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के शुभारंभ करने पहुंचे कांडी प्रखंड क्षेत्र के युवा समाज सेवी एवं भावी जिला पार्षद प्रत्याशी दिनेश कुमार ने फीता काटकर मंच का उद्घाटन किया। मौके पर करौंदा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पप्पू पासवान भी मौजूद रहे। दोनों जगह पर कमेटी के द्वारा दिनेश कुमार को फूल माला के साथ स्वागत किया गया एवं कोरवाडिया में पहुंचे सिगर राकेश राजा ने भी दिनेश कुमार को अपने गाने से जोरदार स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए एवं सावित्री बाई फूले की विवरणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार सावित्री बाई फूले ने हम सब के लिए सच्चाई की राह पर चलकर हम लोगों को सिखाया और प्रथम महिला शिक्षिका होकर हम लोगों को शिक्षा के लिए सही मान्यता बताया, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मौके पर कोरवाडिया के कार्यक्रम में आयोजनकर्ता मोहन दीवाना व घोड़ादाग में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अमित कुमार के साथ दोनों जगहों के लोगों ने भरपूर प्यार का दुलार बरसाया। ग्रीन लाइन न्यूज के साथ मैं अंजलि कश्यप, धन्यवाद।